हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर का नया एक्सटी प्लस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस 16.99 लाख रुपीस है। खास बात यह है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। कंपनी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक सनरूफ से लेस टाटा नेक्सॉन का XMS वेरिएंट लॉन्च किया था। कंपनी का कहना है कि इंट्रोडक्टरी प्राइस हैरियर के BS6 वेरिएंट को मिले पॉजिटिव रिस्पांस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। ये 5 सीटर SUV जनवरी 2019 में मार्केट में बिकने के लिए आई थी और ये ब्रांड की बेस्ट सेलर कारों में से एक है। फ्लैगशिप SUV ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कि लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म पर बनी है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी कि अगस्त में लगभग 1700 हैरियर कंपनी ने बेची थी और लगातार इसकी सेल फिगर में अब बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब टाटा का टारगेट अपनी सेल्स फिगर को बरकरार रखना है और साथ ही उसको इंक्रीज करना है। और टाटा का साथ में ये भी कहना है कि अगर आप अक्टूबर से पहले इसकी बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको इस गाड़ी की डिलीवरी इस साल के एंड से पहले पहले मिल जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में शायद इसकी प्राइस भी हाइक कर दी जाए। टाटा हैरियर XT प्लस में जो सनरूफ लगाया है वो कुछ खास है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि अक्टूबर 2020 में इसकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। XT प्लस वेरिएंट में ग्लोबल क्लोज, एंटी पिंच, रेन सेंसिंग क्लोजर एंड ब्लैक कोटिंग ग्लास के साथ रोल ओवर स्क्रीन जैसे फंक्शंस के साथ एक पैनोरामिक सनरूफ शामिल है। ग्लोबल क्लोजर फीचर की बदौलत कार पार्क करते ही सनरूफ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जबकि एंटी पिंच से एडिशनल सेफ्टी मिलेगी। ब्लैक ग्लास कोटिंग के साथ रोल ओवर स्क्रीन कड़कती धूप को कैबिन में घुसने ही नहीं देगी, जबकि रेन सेंसिंग क्लोजर बारिश होते ही सनरूफ बंद कर देती है। टाटा हैरियर XT प्लस वेरिएंट में कुछ और फीचर्स हैं, जिसमें 7 इंच फ्लोटिंग डिस्प्ले वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें 4 स्पीकर्स के साथ 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें रिवर्स कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फॉग लैंप्स, डुअल फंक्शनल LED डे टाइम रनिंग लैंप्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। नया वेरिएंट 2.0 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटेक डीजल इंजन के साथ 170 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे टाटा हैरियर XT और XT प्लस वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सारी न्यूज अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इंटीरियर से स्टार्ट करें तो दोनों वेरिएंट में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साथ ही डुअल फंक्शन LED DRL विद टर्न इंडिकेटर्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ सिर्फ आपको XT प्लस वेरिएंट में ही मिलेगा। इंटीरियर में इन दोनों वेरिएंट्स में आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड विद एंटी रिफ्लेक्टिव नापा ग्रेन टॉप लेयर मिलेगी। और अब अगर इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों में यानी कि दोनों वेरिएंट्स में लगभग आपको सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं, जैसे कि डुअल एयरबैग्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ABS विद EVD, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट फॉग लैंप्स, रियर पार्किंग सेंसर्स विद डिस्प्ले ऑन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा। ये सब आपको सेम ही मिलेगा। अब इंफोटेनमेंट में क्या क्या फ़र्क रहने वाला है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंफोटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ आपको दोनों में 6 स्पीकर्स मिलते हैं, यानी कि 2 ट्विटर आपको दोनों वेरिएंट में मिलते हैं। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं। 7-inch फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दोनों वेरिएंट में मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो पावर स्टीयरिंग आपको दोनों वेरिएंट में मिलता है। टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील दोनों में मिल जाएगा। ऑटो हेड लैंप्स, पावर विंडोज, 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर वाइपर वॉशर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल विद HVAC, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटर मिरर्स भी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में सेम मिलता है।
प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों में 59,000 रुपीस का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको हैरियर XT वेरिएंट 16.40 लाख रुपीस में अवेलेबल हो जाता है, जो कि इसका एक शोरूम प्राइस है, और वहीं पर हैरियर XT प्लस आपको 16.99 लाख रुपीस में पड़ती है। तो यहाँ पर 59,000 यानी कि 59,000 रुपीस का ही डिफरेंस आपको मिलता है, क्योंकि उसमें आपको एक पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। तो हैरियर की ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसी ही सारी न्यूज़ अपडेट्स जो कि फ्यूचर में आके काम आ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।